आदर्श तापड़िया हत्याकांड के मामले में धरना सातवें दिन भी जारी रहा। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए आदर्श तापड़िया हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने, दोषी पुलिस अधिकारियों के निलंबन या बर्खास्तगी सहित मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर भाजपा और हिंदू संगठनों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के पास दिए जा रहे बेमियादे धरने के सातवें दिन विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी और भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने घोषणा की मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में 3 जून को जिले भर के सभी भाजपा प्रतिनिधि और कार्यकर्ता सहित हिंदू संगठनों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। इससे पूर्व विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल धरने को समर्थन देने पहुंचे और कहा कि जब तक आदर्श हत्याकांड मामले में रखी गई मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। साहड़ा विधानसभा क्षेत्र से रतनलाल जाट और रूपलाल जाट के नेतृत्व में भाजपाई धरना स्थल पर पहुंचे और समर्थन दिया। धरने में जांचपुर विधायक गोपीचंद मीणा, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, जिला प्रमुख बरजी देवी, उप जिला प्रमुख शंकर गुर्जर, प्रधान करण सिंह बेलवा, नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी, पूर्व विधायक डॉक्टर बालूराम चौधरी, पूर्व उप सभापति मुकेश शर्मा मौजूद थे। जनता पार्टी पिछले दिनों यहाँ पर एक हत्या के मामले में से असंतुष्ट होकर आंदोलन कर रही है। ये आंदोलन 15 दिन से चल रहा है। इस पृष्ठभूमि में यहाँ जिला परिषद की एक बैठक बुलाई गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने उचित नहीं समझा कि एक तरफ तो धरना चले और दूसरी तरफ जिला परिषद की कार्यवाही में भाग ले। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जिला परिषद की कार्यवाही से बहिष्कार किया है और वहाँ से सब लोग यहाँ आ गए। जैसे जिला परिषद कुल मिलाकर वहाँ शुरू हो गई है, कोई स्थिति नहीं है, अफसर भी चले गए। ये स्टेप जो लिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि राज्य सरकार पर भी और जिला प्रशासन पर भी और जिला परिषद पर भी ये दबाव डालने के लिए किया है कि भैया जनता के काम करो, जितने भी काम हैं उनको तत्वता से निपटाओ जिससे कि जनता को राहत मिले।